अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में उग्रवादी संगठनों द्वारा अपहरण, हिंसा, अत्याचार और धन मांग की घटनाओं से मजबूर होकर ग्रामीण इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए आज ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में 4 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक भी नजर आए। गौरतलब है कि हाल ही में NSCN KYA द्वारा कोंगथुंग गांव के पंचायत अध्यक्ष किलंग हंगफुंग को बंदूक की नोक पर अपहरण किया गया था। हालांकि पंचायत अध्यक्ष को बाद में छोड़ दिया गया था। पिछले 2 वर्षों से लगातार NSCN गुट द्वारा ग्रामीणों से जबरन वसूली की जा रही है। तिराप जिले के सनलियाम, लोनियान, लाजू और कोंथुंग गांव के लोगों ने इन घटनाओं का विरोध किया है। ग्रामीणों द्वारा निकाली गई विरोध रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।